वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाएं। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ बेहतरीन अपडेट्स निकल के आ रही है कुछ मूवी की रिगार्डिंग से, जिसके बारे में आपको अपडेट करवाना चाहता हूं। तो जो फर्स्ट निकल के आ रही है बीस्ट मूवी की ट्रेलर, किस दिन आने वाली है और किस समय में आने वाली है। उसके बाद एक और अपडेट्स निकल के आ रही है जिसमें आ रही है जेम्स मूवी पुलिस सर की जो लास्ट फिल्म है, इसकी ओटीटी अपडेट्स जो है, उसकी ओटीटी जो राइट्स है वो आप लोगों को पता होगा सोनी लिप्स के पास में थी, तो इसको किस दिन रिलीज किया जाना है उसके बारे में भी अपडेट्स निकल के आ रही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपडेट्स निकल के आ रही है वो अटैक मूवी से, जिसके स्टारर में जॉन अब्राहम सर है, तो उसकी भी सेंसर सर्टिफिकेशन है वो हो चुकी है। तो इस मूवी की ड्यूरेशन क्या होने वाली है इसके बारे में टोटल हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लग रही होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं अपने सबसे पहले अपडेट की तरफ से, जहां पर आ रही है अटैक मूवी की, जिसमें स्टारर में जॉन अब्राहम सर, इसकी जो सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुकी है और इस मूवी की जो रन टाइम निकल के आई है वो आई है 2 घंटे 3 मिनट और कुछ सेकेंड्स निकल के आई है। तो आप लोग इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, मूवी की जो ड्यूरेशन है मुझे कहीं ना कहीं कम लग रही है, आप लोगों को जो भी इस मूवी से लग रहा होगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट अपडेट्स की बात करूं तो बीस्ट जो मूवी है, जिसको आप लोगों को इतने ज्यादा प्यार दे रहे हैं इस मूवी के बारे में, जिसमें जिसके स्टारर में विजय हमारे थालापति सर है और इस मूवी का हिंदी में नाम रखा गया वो रॉ रखा गया, तो इसकी जो ट्रेलर है आप लोगों को 2 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी, वो भी शाम के 6 बजे। और उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो वो है जेम्स मूवी, जिसमें पुनीत सर की जो लास्ट फिल्म है। तो इस दोस्तों को मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं एंटिसिपेट कर रहा था, वेटिंग में था इस मूवी को देखने के लिए, मगर जिस मूवी को रिलीज़ किया गया हिंदी लैंग्वेज में छोटे शहर में तो इसे रिलीज़ किया ही नहीं गया था। हम लोगों ने अभी तक थिएटर में जाकर मैंने कोशिश किया था कि मैं कहीं पर देख लूँ, मगर मैं जहाँ पर मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ से दूर दूर तक कोई ये फिल्म को मतलब कि किसी स्क्रीनिंग नहीं मिली हुई थी। फाइनली उसकी ओटीटी जो रिलीज़ है उसे बता दिया गया है, अब ये आप लोगों को सोनी लिव को 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी जेम्स मूवी। तो आप लोग इस तीनों अपडेट के लिए क्या मतलब क्या मूवीज की जो अपडेट्स निकल के आई हैं आप लोगों को क्या लग रहा है मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इसी तरह के मूवीज की अपडेट्स और जो भी आपको मूवीज की रिव्यूज होगी इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।